का चैप्टर कर रहे हैं, और उससे पहले मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उसमें प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड कैसे होती है, और उसमें मैंने आपको सारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट भी बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बताया था, और रूट्स का जो रोल है ट्रांसपोर्ट में, लीव्स का जो रोल है ट्रांसपोर्ट में, और जो कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम उनका बड़े डिटेल में बताया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फोकस में आता है, और अगर हम जानवरों में बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो आपको मालूम है कि हायर एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बाकायदा दो सिस्टम्स हैं। ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल ऑफ ट्रांसपोर्ट होता ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है वो दो तरह के सिस्टम्स मिलके काम करते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। और ये दोनों सिस्टम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। और सबसे पहले आपको कराऊंगी ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, वैस्कुलर जो है वो ब्लड वेसल से। तो बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ह्यूमंस के अंदर भी जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको पता है कुछ जो लोअर वर्टिब्रेट लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थ वर्म वगैरह कॉकरोच, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनका जो ब्लड है वो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता। लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो आपको ये नजर आ रही है ये नालियां, ये ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, ये ब्लू वाली जो है वेन्स हैं, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये जो रेड वाली हैं ये आर्टरीज हैं, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड दे आर ऑल ब्रिंग द ब्लड टूवर्ड्स एंड टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट इज द ऑर्गन दैट इज पंपिंग द ब्लड टू ऑल ऑफ दीज ब्लड वेसल्स टू कैरी टू दी ऑल बॉडी पार्ट्स। तो हार्ट देखें richly surrounded with these arteries, veins and capillaries, and it's because its sole function is the transport of the oxygen and you know blood to the whole of the body. तो जो blood circulatory system है इसके अंदर तीन तरह की चीजें हैं। एक तो हो गया heart, सबसे main organ है circulatory system का, और उसके बाद आती हैं आर्टरीज एंड वेन्स, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लड। सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ हार्ट, नंबर वन हार्ट, एक नंबर आपका आ गया हार्ट का, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ गई ये आर्टरीज एंड वेन्स जो कि आपको ये नजर आ रही हैं ब्लू में वेन, और ये रेड में आर्टरीज, ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरीज जो छोटी धागे नुमा जो होती हैं ये, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ब्लड इटसेल्फ, क्योंकि ब्लड जो है वो ही फ्लो करता है आर्टरीज और वेन में, और ब्लड के अंदर ही है सारा डिजॉल्व्ड मटेरियल, फूड, ग्लूकोज जो के ग्लूकोज की फॉर्म में है, और ऑक्सीजन, और ये दो चीज़ें हर बॉडी के सेल को चाहिए हैं, और ये ब्लड की जो कॉन्स्टेंट सप्लाई है टूवर्ड्स ईच एंड एवरी बॉडी सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी। सो दैट डज कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी इसके अंदर डिजॉल्व होती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये तमाम बॉडी ऑर्गेन्स, टिश्यूज और सेल्स को हम वक्त मिलता है थ्रू दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हम करेंगे ब्लड को, उसके बाद वेसल्स एंड देन हार्ट। तो ब्लड क्या है, इसकी फिजियोलॉजी पूरी की पूरी करनी है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, और ये टिश्यू है, इट इज अ टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, इट हैज ब्लड सेल्स इन इट। सो ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और ये जब ग्रोथ होती है, जब इन्फेंट की ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक्त जब जायगोट से एक इंडिविजुअल बन रहा होता है, उस वक्त जो तीन जर्म लेयर्स होती हैं जो सबसे पहले बनती हैं, एक्टोडर्म जिससे नर्वस सिस्टम बनता है, तो मीजोडर्म जो है इससे सारा आपके ऑर्गन्स बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट वगैरह, और मीजोडर्म से ही आपकी ये जो है ना बनती है
ब्लड बनता है, ठीक है। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या है? वो जर्म लेयर है। तीन जर्म लेयर्स पहले बनती है जब जायगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और हर जो लेयर है वो डिवाइड करते हैं उसके सेल्स और ऑर्गेन्स बनाना शुरू करते हैं। तो जो आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो एक्टोडर्म से बनता है, फिर एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह बनते हैं, गट बनती है, और मेसोडर्म से स्किन बनती है और स्किन की मतलब कुछ लेयर्स, और इसके अलावा ब्लड भी बनता है। तो ये एक बाकायदा पूरी ब्रांच है साइंस की, जो ब्लड है ना, इसकी स्टडी और इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, ये सारा एक स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड हीमाटोलॉजी। आपको पता है कि आप जब कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी सिम्टम्स होती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करता है, ब्लड टेस्ट करवाइए। तो ब्लड टेस्ट जो है, हीमाटोक्रिट जो आपका होता है, वो हीमाटोलॉजी लैब्स में होता है। तो हीमाटोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ biology which deals with the blood forming tissues and the disorders associated with the blood. Yes, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Hello. Yes, beta, you wanna say something? No. Okay. I must carry on. Excuse me, ma'am. हाँ जी 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 बोलिए, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, चैट पे लिख दीजिए। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज, ब्लड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये बेसिकली कंपोज हुआ हुआ है एक लिक्विड जिसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, और इसका एक सॉलिड पार्ट है जिसे कहते हैं ब्लड सेल्स। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड दैट इज कंपोज ऑफ लिक्विड पार्ट प्लाज्मा एंड अ सॉलिड पार्ट सेल्स। जो वेट है ब्लड का हमारी बॉडी में, वो 12वां हिस्सा है हमारे जिस्म का, 1/12 ऑफ आवर बॉडी मेक्स द ब्लड, यू नो दैट इज द वेट ऑफ द ब्लड। जो एवरेज एडल्ट बॉडी है उसके अंदर तकरीबन 5 लीटर ब्लड मौजूद होता है, और एक हेल्दी पर्सन का जो प्लाज्मा है वो 55% ऑफ द ब्लड कंप्राइजेज ऑफ प्लाज्मा, और जो सेल बॉडीज हैं वो 45% हैं बाय वॉल्यूम, यानी बाय वॉल्यूम 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल्स हैं। अब अगर आप ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लें और उसको रख दें कुछ टाइम के लिए, तो आप देखेंगे कि इसका जो दो क्लियर हिस्सों में ये मिलता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, let's say this is a test tube, sorry, so ये test tube है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप blood को रख दें तो कुछ time के बाद आपको दो हिस्सों में मिलेगा blood। ये एक यहां पर एक रेड कलर का ये पूरा ये पार्ट, दो बड़े क्लियर हिस्से जो है वो टेस्ट ट्यूब में अपीयर हो जाएंगे। नीचे वो रेड कलर का आपको नजर आएगा टेस्ट ट्यूब का निचला हिस्सा, और जो ऊपर पार्ट है ये आपको येलो कलर में नजर आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेड इसके जो सेल्स है ना, जो सॉलिड पार्ट है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, और जो लिक्विड प्लाज्मा है, जो कि इसकी कम होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये ऊपर जमा हो जाता है। तो इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं दोनों पार्ट। प्लाज्मा को ब्लड से अलग किया जा सकता है। ब्लड सेल्स जो है सॉलिड पार्ट है, हैवी है, ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं,
और 55% मैंने जैसे कि आपको बताया बाय वॉल्यूम, 55% जो है वो प्लाज्मा है और 45% क्या है ब्लड सेल्स हैं बाय वॉल्यूम, 45% ब्लड सेल्स एंड 55% प्लाज्मा। अब जो कलर है ब्लड का, एवरीबडी नोज दैट इट इज ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स, या ब्लूइश कलर का होता है। आप अभी भी अपने हाथ पे देखो, ये आपको ब्लू ब्लू जो नजर आती है ये वेन्स होती हैं, और उनके अंदर ब्लू क्यों नजर आता है ब्लड, क्योंकि ये डिऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजन नहीं होती इसके अंदर शामिल, और ये इस तरह से वेन्स के अंदर होता है, और ब्राइट रेड होता है ये आर्टरीज में। मैस इसका है 8% ऑफ द बॉडी मैस, और वेट जो है इसका 1/12 ऑफ आवर बॉडी। पीएच इसकी जो है वो एल्कलाइन है, 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। टेस्ट सोल्टी, टेम्परेचर 38 डिग्रीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी मौजूद होते हैं, सोल्टी टेस्ट होता है। टेम्परेचर 38 डिग्रीज सेल्सियस, और 5 to 6 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड होता है। देन कंपोजिशन मैंने आपको पहले बता दी कि इसका बाय वॉल्यूम 55% प्लाज्मा है और 45% रेड ब्लड सेल्स है, और इस तरह टेस्ट ट्यूब में अगर आप डालें तो ब्लड सेल्स जो है वो नीचे, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं इनकी मैस जो है वो ज्यादा होता है, ये सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, और प्लाज्मा ऊपर। ऐसी हालत में ब्लड को सेंट्रीफ्यूज ब्लड कहते हैं, जिसमें इसका सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट अलग अलग होता है, और व्हाइट सेल्स जो है इसके अंदर मौजूद हैं और प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और जो आप कहें रेड ब्लड सेल्स, सॉरी जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर व्हाइट सेल्स हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं और उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर फाउंड इन दी ब्लड। सो ब्लड इसका आप देखिए 5% प्लाज्मा और 5% सेल्यूलर एलिमेंट्स। सेल्यूलर एलिमेंट्स क्या हैं, जो सॉलिड पार्ट हैं, जो कि हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद जो प्लाज्मा है इट इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड। व्हाट इज प्लाज्मा, पेल येलो कलर्ड लिक्विड, ये लिक्विड है और इसमें 99% वाटर है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट होल्ड्स द सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। ये जो रेड सेल्स हैं, व्हाइट सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, उनके लिए ये एक सस्पेंशन मुहैया करता है, उनको होल्ड करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो प्लाज्मा को अब आप देखिए, आपका जो बुक में भी, आपके सिलेबस में भी प्लाज्मा जो है ये बड़ा मतलब डिटेल में शामिल है टॉपिक, तो प्लाज्मा को देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लाज्मा 91% वाटर है, फिर इसके अंदर सबसे ज्यादा पानी के बाद कौन सी चीज है, प्रोटीन्स है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमेंस, ग्लोब्यूलेंस, फिब्रिनोजेन और कुछ सोल्यूट्स हैं 1.5%, और ये सोल्यूट्स क्या हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है वो ब्लड के अंदर ही जाते हैं, तो जब जो भी आप खुराक खाते हो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, जो आप प्रोटीन खाते हो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है, जो आप स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जितनी आप फैट लेते हो फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है। तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं ब्लड के प्लाज्मा में, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और प्रोटीनिंग, जो कि आपके जहर है, ये वेस्ट कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो बॉडी के अंदर केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं लिवर में, मोस्टली ये वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, देन थ्रू ब्लड ये किडनीज की तरफ लाए जाते हैं, और यहाँ से थ्रू एक्सक्रीशन ये थ्रू यूरिन जो है ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ब्लड के अंदर वेस्ट भी है, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, ब्लड के अंदर वाटर भी है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर वॉटर सबसे ज्यादा है 91.5%। इसी वजह से जो ब्लड है वो लिक्विड होता है, फ्लो करता है, हालांकि इसके अंदर बहुत सारी सॉलिड चीजें भी हैं। तो ये हो गई प्लाज्मा की कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट है प्लाज्मा के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो वॉटर जो है इसके अंदर, जो वॉटर है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और रिलीज करता है हीट को, ठीक है। आपको मालूम है जब आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऑल द ब्लड गोज टूवर्ड्स योर स्किन,
और स्किन जो है वो बहुत गर्म होती है, और खास तौर पे मुंह की जो स्किन है, वैसो डायलेशन होती है, जो आर्टरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड इनकी तरफ फ्लो करे, और फिर यहाँ पर थ्रू रेडिएशन यानी कि हीट जो है, जो कि ज्यादा से कम की तरफ, बाहर की हीट कम है, बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो थ्रू रेडिएशन, सिंपली थ्रू रेडिएशन द हीट एस्केप्स आउट फ्रॉम द स्किन, और ये इसी वजह से होता है कि वे जो वाटर है वो उस हीट को कैरी करके लेकर आता है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखती हैं सेल का। ग्लोबुलिन्स हैं, मतलब कि ऑस्मोटिक बैलेंस ये कि पानी का जो है, पानी अगर सेल के अंदर कम या ज्यादा हो जाए तो आपको मालूम है कि वो डिफ्यूज आउट कर जाता है, तो सेल जो है वो श्रिंक हो सकता है, तो ये बैलेंस में रखती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं तो पानी की कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखती हैं, अगर कुछ भी ना हो तो पानी जाहिर है सेल के अंदर ज्यादा हो जाए और फिर वो बाहर की तरफ डिफ्यूज आउट कर जाए और सेल जो है वो श्रिंक हो जाए और श्रिंक होके हट जाए, मतलब नॉन फंक्शनल हो सकता है। देन ग्लोबुलिन्स हैं जो कि डिफेंस बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें इनका पार्ट है। फिब्रिनोजन है जो कि ब्लड को क्लॉट करती हैं, खून आपको मालूम है कोई कट लग जाए, कोई जख्म हो जाए तो खून बहता है, उसके बाद खून बहना बंद हो जाता है क्योंकि वहां पर खून थिक हो जाता है और वो बाहर आर्टरी से नहीं जा सकता, जम जाता है, तो इसके अंदर खून को जमाने वाली प्रोटीन्स होती हैं जो ऐसी सिचुएशन में एक्टिव हो जाती हैं। देन कुछ इलेक्ट्रोलाइट आयंस हैं जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह जो कि पीएच को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स हैं। सबने आप मतलब क्लास 7-8 से ही पढ़ना शुरू कर देते हो कि सेल इनकी शेप क्या होती है, बायकॉनकेव डिस्क होती हैं, न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये डिवाइड नहीं करते, 120 डेज के बाद ये खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं बोन मैरो में। साइज इनका 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर है, कलर इनका रेड होता है क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं जो इसको रेड कलर देती है। और इनकी तादाद कितनी है, मेल्स के अंदर 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक लीटर ब्लड, और फीमेल्स के अंदर 4.8 मिलियन होती है। तो आपको मालूम है कि ये ब्लड काउंट भी किया जाता है, जब कोई बीमारी होती है तो ये देखते हैं कि ब्लड सेल्स तो नहीं कम हो रहे, तो खास तौर पे खासा मतलब कोई कैंसर वगैरह हो तो उसमें ब्लड सेल्स नहीं बन रहे होते हैं ब्लड कैंसर में, या वो खराब बन रहे होते हैं। तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। न्यूक्लियस नहीं होता, रिप्रोड्यू डिवाइड नहीं कर सकते और ये नए बनते हैं, रिप्लेसमेंट होती है कि डिवीजन नहीं होती। फिर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो कि बोन मैरो में, जैसे कि मैंने आपको बताया लेग की, हिप की, ब्रेस्ट की बोन्स के अंदर और रिब्स के अंदर जो बनते हैं, उन इस प्रोसेस को एरिथ्रोपियोसिस कहते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट्स इनका नाम होता है, और रेड ब्लड सेल्स का कॉमनली हम इनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इनकी रेड कलर की वजह से। और ये बच्चों में बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, सारी बोन्स में बनता है, लेकिन एडल्ट में ये सिर्फ वो जो मखसूस बोन्स बताई उनमें बनता है। फीटस के अंदर चूंकि बोन्स नहीं डेवलप होती तो उसमें लिवर और स्प्लीन जो है वो रेड सेल्स बना रहे होते हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कि ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो है रेड ब्लड सेल्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या चीज, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, जाहिर सी बात है आप जब सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन होती है सारी, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जाहिर है जो टिश्यूज में और सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, जो बर्निंग ऑफ फूड होती है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज होता है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो सेल्स में से निकालती हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स की तरफ दोबारा लेके जाती हैं, जहां से हम सांस खींचते हैं बाहर की तरफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में रिलीज कर देते हैं। तो इनकी तादाद जो है वो मैंने आपको बताई कि फीमेल्स में और मेल्स में इनका काउंट जो है तकरीबन 4.5 से 5 मिलियन तक होता है। उसके बाद व्हाइट सेल्स की तरफ आते हैं,
वॉइड सेल्स जो होते हैं इनकी शेप क्या है, अमीबॉइड, अमीबा जो आपने प्रोटिस्ट में पढ़ा था, अमीबा जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी शेप की तरह के होते हैं। जो वाइट सेल्स होते हैं कलरलेस होते हैं, कोई पिगमेंट नहीं होता इनमें, जैसा कि रेगुलर सेल्स में पिगमेंट है तो वो उसकी वजह से रेड होते हैं, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस होते हैं। और ये सिर्फ ब्लड वेजल्स तक कन्फाइन नहीं होते, ये टिश्यू फ्लूइड में भी माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और इनकी तादाद कितनी होती है, इनकी सिर्फ हजारों में तादाद है, जिस तरह मिलियंस में है ना रेड सेल्स की, इनकी इतनी तादाद नहीं है। ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो ब्लड है इसके अंदर 7,000 से लेके 8,000 तक व्हाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन जो है ये बॉडी के डिफेंस सारणी है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बीमारियों से बचाते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर एक्सेस कर ले तो फिर ये उसको किल करते हैं, ठीक हो गया। और लाइफ स्पैन जो है वो मैंने बताया कि अमूमन 10 to 13 days, लेकिन कुछ महीनों भी हो सकता है और साल तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। किसी खास किस्म के इन्फेक्शन का सामना है तो ये इस तरह से होगा। देन प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकोबियोसिस। और एडल्ट्स में ये कहाँ पे बनते हैं, लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मैरो में बनते हैं। फीटस में ये लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। उसके बाद टाइप्स जो है इनकी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स में आपकी जो सिलेबस में है वो भी वैसे तो काफी है, लेकिन आपके जितनी है मैं उसी तक रिस्ट्रिक्ट रहूंगी। ग्रैनुलोसाइट्स हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, ग्रैनुलर जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिडोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, तीन तरह के होते हैं। इनके ग्रैनुलर का मतलब ये होता है कि ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है इसका, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को, उनको एनगल्फ करते हैं, इनको फैगोसाइटोसिस के जरिए ये किल कर देते हैं। इसके बाद एसिडोफिल्स हैं और इसको यूसिनोफिल्स भी कहते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं और पैरासाइट्स को किल करते हैं। फिर बेसोफिल्स हैं जो के प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। अब आते हैं एग्रैनुलोसाइट्स की तरफ। एग्रैनुलोसाइट्स जो हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं जो के जरासीमों को निगल लेता है। और लिम्फोसाइट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, और ये क्या करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और जरासीम को खत्म करते हैं। एंटीबॉडीज खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं आपको मालूम है, जो कि बॉडी का डिफेंड करती हैं। अब इनकी मजीद डिटेल देख लीजिए। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये आप देखें, जो कि मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को, उनको फैगोसाइटोसिस के जरिए। इनकी अपीयरेंस देखिए इस तरह की होती है। और लोकेशन इनकी क्या है, जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो, बोन मैरो में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस मींस कि इनको फैगोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू इनको इनगल्फ करके अंदर ले जाकर इनको किल कर देते हैं। और एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका न्यूक्लियस 2 लोब्स होता है। ये सारे न्यूक्लिएटेड हैं, सिर्फ जो रेगुलर सेल है वो न्यूक्लियस के बगैर होती है। एलर्जिक रिएक्शन में ये ज्यादा इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में उसके इफेक्ट्स को कम्बैक्ट करते हैं। और जो आपको मैंने बताया बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स का जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, बोन मैरो में होते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। नाउ द प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वी ऑल नो, और इनका काउंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनकी तादाद कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी सर्कुलर बायकॉनकेव नियोन न्यूक्लिएटेड है और 4 लाख तक एक नॉर्मल इंसान के अंदर इनकी तादाद होती है। ये बेसिकली सेल्स तो नहीं इनको कहा जाता, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज हैं, बोन मैरो के जो लार्ज सेल्स होते हैं उनके फ्रेगमेंट हैं। और इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता,
और कोई पिगमेंट भी नहीं होता, और एवरेज लाइफ स्पैन जो है इन प्लेटलेट्स का तकरीबन 7 से 8 दिन तक होता है, और इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना, एंड क्लॉटिंग फिब्रिनोजन प्रोटीन भी ब्लड के अंदर जो होती है वो भी क्लॉटिंग करती है और ये भी क्लॉटिंग करती है, और ये क्लॉट जो बनता है बेसिकली वो एक सील होती है जो कि डैमेज एरिया पे बन जाती है, और यहाँ से ब्लड क्रॉस करके बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि ब्लड फ्लो करके जाया ना हो जाए. ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स अ जेली लाइक मैस, जम जाता है ये, ठीक है. सो ये आज के लिए इतना ही है, सिलेबस में शामिल नहीं है, इसमें ज्यादा चीजें याद करने वाली हैं आपको, इन टर्म्स को याद रखना है, और ये जो फैक्ट्स हैं कि कितने अकाउंट है ब्लड प्लेटलेट्स का, व्हाइट सेल्स का, रेड सेल्स का, फंक्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ह्यूमन हार्ट का. तो अभी आपकी क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, और कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज.